लग्न भाव से विचार किया शुभाशुभ योगों का, और अब धन भाव से विचार आरंभ करते हैं। धन भाव में से आरंभ करके इधर उधर आने वाले ग्रहों के कारण से शुभ योग और अशुभ योग का विचार आरंभ करते हैं। धन भाव विचार हो पापा सर्वे धनस्ताने धनहानि करामता अन्य सौम्य शुभम सर्व वृद्धि वृद्धि धनादिकम वृद्धि वृद्धि धनादिकम सर्वे पापा सभी पाप ग्रह धन भाव में विराजमान है तो निश्चित रूपेण वह योग धन के हानि का कारक होता है। अन्य सौम्य शुभम सर्वम और यदि अन्य शुभ ग्रहों की युति धन स्थान में हो तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार से धन की समृद्धि वृद्धि आदि होती रही। वृद्धि वृद्धि धनादिकम समृद्धि और वृद्धि होती रही धनादियों का। क्रूराश्चतुर्षु केन्द्रेषु तथा क्रूरा धने च दरिद्रयोगम जानीयात स्वपक्षस्य भयंकरम। क्रूराश्चतुर्षु केन्द्रेषु चार केंद्र भावों में अर्थात एक चार सात दस में कौन हो क्रूर ग्रह विराजमान हो तथा क्रूरा धने पिचा और धन भाव में भी कोई न कोई क्रूर ग्रह हो तो दरिद्र योगम जानियात ऐसा ग्रह योग दरिद्र योग कहा जाता है। स्वपक्षस्य भयंकरम और अपनी स्वाम ने कुल के लिए वह अनिष्टकारक योग है भयंकर है भय को पैदा करने वाला अनिष्ट को पैदा करने वाला होता है। अष्टमस्थो यदा भौमस त्रिकोणे नीच गौरवि स शीघ्रम एव जात स्याद भिक्षा जीवी च दुखितः। यदा भौमा जब मंगल अष्टम भाव में स्थित है और त्रिकोण मने पांचवें और नवे भाव में अथवा नवे भाव में नीच राशि सूर्य बैठा है। सूर्य का नीच राशि कौन सा है तुला। सूर्य का नीच राशि तुला अर्थात तुला राशि में सूर्य विराजमान है और तुला राशि में रहते हो कहाँ बैठा हुआ है वो त्रिकोण में पांचवें या नवे भाव में बैठा है। तो समझो स जातः वह जो उत्पन्न पुरुष है व्यक्ति है बालक है वह शीघ्र ही भिक्षा जीवी हो जाएगा भीख मांग के खाने वाला बनेगा और अत्यंत दुखी भी रहेगा दुखी तह। यदि भी धनभाव का विचार चल रहा था यहाँ पुरुष लोग धनभाव का नाम नहीं लिया वह अष्टम भाव में है ना कौन मंगल वो धनभाव को देख रहा है आठवें घर वाला दूसरे वसीले देखेगा ना पूर्ण दृष्टि रहेगी उसकी अतएव भी धनभाव संबंधी विचार कहा गया। कन्यायांचेदा राहु शुक्रो भौम शनिस्तथा तत्र जातस्य जायेत कुबेरादधिकं धनम। कन्यायांचेदा राहु और कन्या राशि में राहु बैठा हो शुक्रो भौम शनिस्तथा सात कौन कौन है राहु के साथ शुक्र मंगल और शनि हो तो उस जातक के पास इतना धन होगा इतना धन होगा कुबेर के पास भी उतना नहीं होगा। कुबेरादपि अधिकम धनम कुबेर से भी ज्यादा धन वाला वह हो जाता है। और केंद्रे यदा चंद्रो मित्रांशे गुरुनेक्षितः वित्तवान ज्ञान संपन्नो जायते स तदानरः। सूर्य केंद्र में हो और चंद्र अपने मित्र के ग्रह के नवांश में स्थित हो चंद्रो मित्रांशे गुरुणा इच्छित मित्र ग्रह के नवांश में स्थित हो तथा बृहस्पति सव दृष्ट हो तो इस योग में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य है वह क्या होता है वित्तवान धनवान होता है और ज्ञान संपन्नो जायते
ज्ञान से संपन्न होगा अवश्य इसमें कोई संशय नहीं है। तदा नरह ज्ञान संपन्न भी होगा वित्त संपन्न भी होगा, धन और ज्ञान दोनों से युक्त एक महान विद्वान होगा वो। स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुध सौरिस्तथैव च तदा जातस्य दीर्घायुः संपत्तिश्च पदे पदे। स्वक्षेत्रस्थो अपने अपने क्षेत्र में राशि में यदि बृहस्पति हो अर्थात धनुराशि और मीन राशि में बृहस्पति हो, एवं बुध भी अपना राशि मिथुन और कन्या में विराजमान हो, और शनि सौर्य मने शनि अपना राशि कुंभ और मकर और कुंभ राशि में विराजमान है ऐसे स्थित हो तो वह जातक निश्चित रूपेण तदा जातस्य यदा ऐसा है तदा जातस्य व्यक्ते है दीर्घायु संपत्तिश्च पदे पदे। वह दीर्घायु होता है और पग पग पर उसे धन की प्राप्ति होती है। लग्नम लग्नेश संयुक्तम यस्य जन्मनि जायते न मुञ्चन्ति गृहं तस्य कुलस्त्रिय इव श्रियः। कुलस्त्रिय इव श्रियः। लग्नम लग्नेश संयुक्तम, लग्न भाव में लग्नेश संयुक्त होकर के यस्य जन्मनि जायते जिसका जन्म होता है वह न मुञ्चन्ति गृहं तस्य कुलस्त्री व श्रेय। जैसे जो है कुलस्त्रियां होती है वैसे घर के जो है क्या बोलते हैं उसको दहली को भी लांगता नहीं, कुलस्त्रियां ऐसे होती है। हाँ लग्न भाव में लग्नेश रह रहा है, जैसे मेष लग्न है मान लो मेष राशि का स्वामी कौन है मंगल, ये कोई जरूरी ना लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही रहे, इधर उधर कहीं भी रह सकता है, लेकिन एक कह रहा है नहीं लग्नेश का होना चाहिए लग्न में ही होना चाहिए। जो भी लग्न हो उस लग्न का स्वामी इधर उधर नहीं होना चाहिए किंतु लग्न में ही रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो बालक जन्म लेता है जिसके जन्म के समय में लग्नेश लग्न से युक्त होगा अर्थात लग्न का स्वामी लग्न में स्थित होगा तो लक्ष्मी उसे गृह की कुलांगना की तरह नहीं छोड़ती है, व्यक्ति को लक्ष्मी सदा पीछे लगी रहेगी। जैसे कुलस्त्रियां अपने घर को छोड़ती नहीं है बाहर जाती घूमती फिरती नहीं, आजकल की लड़कियों की जैसे नहीं है, आजकल तो सब भ्रष्ट हो चुके हैं कुलस्त्रियां है ही नहीं, कुलस्त्री ढूंढो कहां मिलेगा, बड़ा मुश्किल है बोलना। जो घर के दहलीज को लांगते नहीं थे पहले बिना पति की अनुमति का और पति के साथ हुए बिना या अपने भाई या माता पिता उनके साथ के बिना अकेले कभी नहीं निकलते, नियम था, तभी यह देश अत्यंत संपन्न था। जब तक स्त्रियां स्वतंत्रता के नाम पे जो है अधिकार महिला अधिकार के चक्कर में सारा बिगड़ते गया, संस्कृति नष्ट हो गई, धन संपत्ति भी नष्ट हो गए साथ साथ। सुमति जहां संपत्ति नाना, कुमति जहां विपत्ति नाना। तो लक्ष्मी उसे गृह को उसी प्रकार से दहलीज लांग के नहीं जाती जिस प्रकार से कुलांगना स्त्री जो घर को छोड़ के नहीं निकलती है, वैसे उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी सदा ही रहती है, यह तात्पर्य है। चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहंतो लक्ष्मीर्नैव विमुञ्चति। इसे भी ऐसे ही है इस ग्रह योग में, चंद्रेण मंगलो युक्तो यदि जन्म समय में जन्म काले यदा चंद्रमा मंगल से युक्त हो तो जातक के गृह को तस्य जातस्य गेहंतो लक्ष्मीर नहीं विमुंचती, लक्ष्मी उसे कभी नहीं छोड़ती है नहीं त्यागती है। मास मध्ये यत् संख्य दिवसेर जायते पुमान तत् संख्य वर्ष भुक्तौ तु लक्ष्मी भवति निश्चितम्। मास के मध्य में जन्म मास मान लो
वर्तमान मार्गशीर्ष मास हो चल रहा है, इस मार्गशीर्ष मास में पैदा हुआ कोई बात, लेकिन कब पैदा हुआ? मार्गशीर्ष मास जहां से शुरू हुआ है वहां से गिनो कितने दिन बीता है। मान लो पूरा कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, 15 दिन गया, और इधर शुक्ल पक्ष का पंचमी को पैदा हुआ, 15 और 5 20 दिन हो गए, है कि नहीं? मैंने मार्गशीर्ष मास के आरंभ से 20वें दिन बच्चे का जन्म हुआ है, तो समझना उस बच्चे के जीवन में 20 साल तक दरिद्रता रहती है, 20 साल के बाद वो धनवान हो जाता है। जिस मास से पैदा हुए हैं आप, उस मास से कितने दिन बाद आप पैदा हुए अपने आप गिन लेना, और समझ लेना आप उतनी आयु के बाद आप धनवान होंगे। उससे पहले माँ बाप से मांगते रहो, वो देंगे भी नहीं, देंगे थोड़ा थोड़ा देंगे, फीस दे देंगे, नचाते रहेंगे। ज्यादा देना भी उचित नहीं है, ज्यादा देख के भी बिगड़ जाते बच्चे। जैसे आजकल गुरु लोग चेड़ों को पटाए रखने के लिए चेड़ों को खूब सुविधा दे देते हैं, वो चेड़े बिगड़ जाता है। मास मध्य तु यत संख्या दिवसीर जायते पुमान, जिस महीने में भी आप पैदा हुए हो, अंग्रेजी में नहीं लेना, हमारे हिंदू महीने के अनुसार देखना, क्या तिथि बढ़ती घटती है ना। अजय दो चतुर्दशी हो गई थी, 15 दिन का मास नहीं है तो 16 दिन हो गया ना, उसमें उस पक्ष में 16 दिन हो गया, उसके बाद पंची को पैदा होती 21वें दिन पैदा हो ना, 20वें दिन नहीं कहा जाएगा उसको। इसलिए अंग्रेजी तारीख नहीं लेना है, हमें अपनी जो है मास के अनुसार देखना, उस मास में मार्गशीर्ष मास है, आगे आ रहा है पौष मास, पौष के मास के बाद जो मार्गशीर्ष तो चला गया खत्म, अब तो पौष चालू हो गया है, पौष मास चालू हो गया, फिर उसके बाद माघ आएगा, वो कौन से महीने में कौन सी तिथि पे आपके जन्म हुए हैं तो शुरू से गिनती करो, अमावस्या के बाद और जोड़ते जाओ 15 16 17 18 गिनो शुक्ल पक्ष में हो तो वगैरह। तस्य जातस्य गेहंतो कहते हैं तत्संख्य वर्ष भुक्तौ तू, तत्संख्य उतने संख्या वर्ष के जीवन उसके बीतने के बाद लक्ष्मी भवति निश्चितम, उसके बाद निश्चित रूप में लक्ष्मी उसे प्राप्त होगी, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। धनभाव संबंधी धन को लेकर विचार आरंभ हुआ, समाप्त हो गया, और अब सहज भाव संबंधी विचार आरंभ करते हैं। सहज भाव का फल क्या है? भाई बहन का योग, कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे, कितने जिंदे रहेंगे, कितने मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सहजाते इति सहजः, एक साथ पैदा हुए तो भाई बहन उनको सहजा कहा जाता है, सहोदर भी कहते हैं। सहज भाव विचार, पाप तृतीय गई सर्वैर बांधवी रहितो भवे सौम्य भ्रातृ संयुक्त कीर्ति युक्त धन प्रिय। यदि तृतीय भाव में सहज भाव में सभी पाप ग्रह बैठे हों, उस जन्म व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं होता, बांधवी रहितो भवे, बंध बांधव से रहित हो जाता है। यदि वह शुभ ग्रह बैठे हो, सौम्य इच्छा शुभ ग्रह बैठे तीसरे भाव में, तो क्या फल होगा? भ्रातृ संयुक्त हो, वो भाई वाला होगा, यानी भाई बहन उसके होंगे, कीर्ति युक्त भी होगा और धनप्रिय भी होता है, धनप्रेमी होता है वो। लग्ना तृतीय भवने शिकिना सह चंद्रमा लक्ष्मी वान जायते बालो भ्रातृहीनो न संशय। लग्न से तीसरे भाव में चंद्रमा शिकी के साथ मैंने केतु के साथ युक्त हो रहा है, तीसरे भाव में केतु और चंद्रमा है, अति तीसरे में केतु है तो नवम भाव में राहु बैठा होगा, उसकी पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। ऐसी स्थिति में वह जो उत्पन्न बालक होता है धनवान भले ही होता है, लेकिन उसका कोई भाई बहन होते नहीं है, भाइयों से रहित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भ्रातृहीनो न संशय आदो जातम रविहंती पश्चात भौम शनिश्चर राहु नामा युभौ भंती केतु सर्वनिवारक।
रवि सूर्य यदि तृतीय भाव में हो तो वह अपने बड़े भाई का हंता बन जाएगा, उसका बड़े भाई मर जाएगा। जिस बच्चे के लग्न कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो उससे पहले पैदा हुआ जितने भाई हैं वे सब के सब स्वाहा हो जाएंगे। और यदि उसी तीसरे भाव में मंगल और शनि बैठे हों तो उसके बाद में जो पैदा हुए छोटे भाई बहन वो मर जाएंगे, वो स्वाहा हो जाएंगे। पश्चात भौम शनिश्चरो, मंगल और शनि हो तो छोटे भाई बहनों का निधन होगा और राहु हो तो उभौ हन्ति, अपने से बड़े अपने से छोटे सब खत्म, वह अकेला जिंदा बचा रह जाएगा बीच वाला। और यदि तृतीय में केतु हो तो पूर्वोक्त सभी दोष दूर हो जाएगा। तृतीय भाव में केतु बैठा है और वहां भले शनि हो तो भी क्या था, बड़े भाई को मारना वो दोष नहीं रहेगा। यदि वहां मंगल सूर्य हो तो बड़े भाई को मारने का योग्यता वो नहीं होगा, शनि और मंगल हो तो छोटों को मारना था वो नहीं होगा, और राहु हो तो राहु तो होने की सवाल ही नहीं, केतु वहां बैठ के तो राहु तो सामने रहेगा ना, तीसरे भाव में तो आ ही नहीं सकता वो, अतः उभवंति पक्ष भी समाप्त हो जाता है। ये केतु का विशेषता है, जहां बैठ गया वह उस अन्य ग्रहों के कारण से उस स्थान से प्राप्त जितनी भी अनिष्टता वो सबको केतु निवृत्त कर देता है। स्वक्षेत्रस्थो यदा राहुर् धनस्थाने बृहस्पति बुधेन च समायुक्तस्तस्य बंधुत्रयं भवेत्। स्वक्षेत्रस्थो यदा राहु, राहु अपने क्षेत्र में अपने राशि में है अर्थात कन्या राशि में है तो द्वितीय स्थान में जो कौन बैठा है, धनस्थाने बृहस्पति बैठा हो, और अभी अकेला बृहस्पति नहीं धन भाव में, बुधेन च समायुक्त, बुध ग्रह से युक्त बृहस्पति धन भाव में है, और इधर जो है राहु अपने स्वराशि कन्या राशि में विराजमान है। भाव नहीं बता रहे हैं, राशि बता दिया केवल, उसके लिए भाव बता दिया, बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति धन भाव में है और राहु स्वक्षेत्र में चल रहे तृतीय भाव, ये मान के चलेंगे तृतीय भाव में राहु है और द्वितीय भाव में आपके बुध और गुरु बैठे हुए हैं, तब क्या होगा, तस्य बंधुत्रयम् भवेत्, उस जातक को तीन भाइयों का योग हो जाएगा, ऐसे कहना चाहिए। मैंने उसे खुद से बड़े एक या दो होंगे, यदि बड़े एक हो गए तो छोटे दो हो जाएंगे, तीन भाइयों का योग उसको मिलेगा, मैंने कुल चार हो जाएंगे, राम लक्ष्मण आदि चार भाई हो जाएंगे। लग्ने चंद्रो धने शुक्रो ये च बुध भास्कर राहुश्चेत पंचमे बाल स भवेत बंधकृत सदा। कहते हैं लग्न में चंद्रमा हो, धन भाव में शुक्र बैठा है और बारहवें में वे भाव में बुध और सूर्य बैठे हुए हों तथा राहु कहाँ है, पंचम भाव में, राहुश्चेत पंचमे बाल, तो वह जन्मा हुआ बालक या बालिका निश्चित रूपेण जेल की यात्रा करेंगे, वो दंडित हो जाएंगे और बंधन में चले जाएंगे। बंधन में मैंने कारावास प्राप्त होगा, जेल भेज दिया जाएगा, दंड के रूप में उसको कारावास भेज देंगे, बंधन कृत हो जाएगा वो योग। धनस्थाने यदा क्रूर भौम सौरी समन्वित सहजे च भवेत राहुर भ्राता तस्य न जीवति। धनस्थाने यदा क्रूर, धन भाव में जब क्रूर ग्रह विराजमान हो और वह क्रूर अकेला ही ना हो साथ मंगल शनि से युक्त भी हो, भौम सौरी समन्विता मंगल और शनि से युक्त क्रूर ग्रह विराजमान है धन भाव में तथा तृतीय भाव में कौन है, सहजे च भवेत राहु तृतीय भाव में राहु विराजमान हो तो उस व्यक्ति का क्या होगा, भ्राता तस्य न जीवति, उसके जो भी भाई वगैरह पैदा होंगे उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, चला जाएगा, तस्य भ्राता न जीवति।
षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहु संभवः अष्टमे च यदा सौरीर् भ्राता तस्य न जीवति। एक और है भ्रातृ भाई का योग ना होना, भाई उसका जिएगा नहीं। कब? षष्ठे च भवने भौमः, छठे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में राहु हो और आठवें भाव में शनि विराजमान हो, तो भ्राता तस्य न जीवति, उस व्यक्ति का भाई जीवित नहीं रहता। विलग्नस्तो यदा जीवो धने सौरीर यदा भवेत राहुश्च सहजे स्थाने भ्राता तस्य न जीवति। ऐसे योग में भ्राता जीवित नहीं रहेगा। कब? जब लग्न में बृहस्पति हो, धन भाव में शनि ग्रह विराजमान है और उधर तृतीय भाव सहज भाव जिसका विचार चल रहा है वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस जातक के कोई भी भाई जीवित नहीं रहता। सप्तमे भवने भौमस छाष्टमे पीसितो यदि नवमे च भवेत सूर्यः स्वल्पायुश्च समूर्जितः। सप्तम भाव में मंगलो, आठवीं भाव में शुक्रो और नवम भाव में सूर्य बैठा है। ऐसे योग में, ग्रह योग में जो जातक जन्मता है वह अल्पायु होता है। समूर्जितम समुत्पन्न, ऐसे ग्रह योग में उत्पन्न जो व्यक्ति है बालक या बालिका वह अल्पायु वाले होंगे। पुम ग्रह यस्य सहजे ही उच्च स्थान गतो भवेत भ्रातृ षटकम विजानीयात अन्यता भगिनी स्मृता। जिसके जन्म लग्न में से तृतीय भाव में पुरुष ग्रह, पुम ग्रह, ग्रह भी तीन प्रकार के होते हैं, पुम ग्रह, स्त्री ग्रह, नपुंसक ग्रह, उसे पुम ग्रह विराजमान हो, कहां? तृतीय भाव में, लग्न से जो है तृतीय भाव में। पुम ग्रह यस्य सहजे मन तृतीय भाव में उच्च स्थान गतो भवेत, और वह पुरुष ग्रह भी अपने उच्च राशि में स्थित है, वह पुम ग्रह भी अपने उच्च राशि में होता हुआ तृतीय भाव में विराजमान होगा, तो उसके कितने भाई होंगे? छह भाई पैदा हो जाएंगे। भ्रातृ षटकम विजानीयात, अन्यथा यदि उच्च राशि का न हो तथा उच्च राशि का तो तृतीय भाव में स्थित हो तो छह भाई होंगे, और अन्यथा क्या हो जाएगा? वो छह बहन हो जाएंगे, उसको छह बहन अकेला भाई, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया, तथा उच्च राशिगत तृतीय भाव में ऐसे कह दिया, उत्तराशिगत नहीं है ना, तब उच्च राशिगत हो तो छह भाई हो जाएंगे, उच्च राशिगत ना हो तो तृतीय भाव में रहते हुए भी उसको छह बहन हो जाएंगे, यह करना है ना, जोड़ना पड़ेगा। उच्च राशिगत ना हो, तृतीय भाव में स्थित हो तो छह बहने होती है उसको। इस प्रकार तृतीय भाव निमित्तक विचार समाप्त होता है, और चतुर्थ भाव सुख भाव भी कहते हैं उसको, मातृभाव भी कहते हैं इसको, जननी भाव भी कहते हैं इसको, अनेक नाम से कहा जाता है चौथे भाव को। उस चौथे भाव में जो विचार देखना है, मातृ सुख देखना है, अन्य सुख प्राप्तियों को देखना है, उसके विचार आरंभ करते हैं। तुरीय स्थाने सिता पापा बालत्वे मातृ कष्टदा सौख्यम सौम्य प्रकुर्वंती राज सम्मानदायका, राज सम्मानदायका। कहते तुरीय स्थान स्थिता पापा, तुरीय मने चौथे भाव सुख भाव मातृभाव में सभी पाप ग्रह बैठे हो तो, और पाप ग्रह जब बैठे हैं तो बालत्वे मने उस बालक जन्मे हुए का बाल्यावस्था में वह माता के लिए मान कष्ट देने वाला होगा। मातृ कष्टदाह सौख्यम सौम्या कुर्वन्ति, यदि वही चौथे भाव में
शुभ ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह नहीं, पाप ग्रह नहीं, शुभ ग्रह बैठे हो तो वो सौख्यम प्रकुर्वंती राज सम्मान दायक, और राज सम्मान दिलाने वाले ऐसे शुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ कारक होते हैं और राज सम्मान तक दिलाने में समर्थ हो जाता है। लग्ना चतुर्थग पापो यदि स्याद बलवत्तर सदा मातृवदं कुर्यात् केंद्रे वा न परो यदि। कहते कि देखिए लग्न से चौथे भाव में यदि स्याद बलवत्तर पाप पाप ग्रह बैठा है चौथे भाव में, और कैसा है वो अत्यंत बलवान पाप ग्रह हो तो, और केंद्र स्थानों में अन्य कोई ग्रह न हो, केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो वह माता का ही हत्यारा बन जाएगा। केंद्रे वा न परो यदि मन और अन्य कोई परम अन्य कोई ग्रह केंद्र में एक चार सात दस भावों में कोई भी ग्रह नहीं है, खाली स्थान है वो, रिक्त है, कोई ग्रह वहां बैठा नहीं है केंद्र में, और इधर चौथे भाव में जो पाप ग्रह है वो अत्यंत बलवान पाप ग्रह है। ऐसी स्थिति में मातृवदन कुर्यात् अपने माँ की हत्या करने वाला होगा। माँ की हत्या क्या करेगा, ये गर्दन काट देगा क्या, ये अर्थ नहीं है। अपने बड़ों की हत्या का मतलब होता है बड़ों को गालियां दे देना, बड़ों की बेइज्जती कर दो, वही उनका जो है हत्या है। यही कहा एक बार युधिष्ठिर के साथ प्रसंग हुआ ना, कोई ऐसा अर्जुन का मामला बना, तब अर्जुन दंड देना है युधिष्ठिर को, ऐसा प्रसंग आया महाभारत में एक जगह। अब अर्जुन कैसे दंड देगा युधिष्ठिर को, दे नहीं सकता, तो क्या करें, लेकिन व्यवहार हो गया गलत, दंड तो देना ही देना है। तब भगवान कृष्ण को याद किया, भाई आप ही बताओ कुछ उपाय, नियम पालन भी हो जाए और हमें इनके साथ कोई यार दुर्व्यवहार भी ना हो। भगवान कृष्ण कहे ऐसा करो, वो वहां खड़े है ना, तू इधर मुख खड़े हो जा, उधर मुख करके खूब डांट दो, क्या बड़े भाई है, नालायक है आप, था नहीं देते काम में, बोल दो ऐसे, गाली भी मत दो, इतना बोलो, भैया ही उसको दंड है। इतना आपने कह दिया चार के सामने, अन्य भाइयों के सामने में, यही उनके लिए दंड है, मृत्यु बराबर होता है, ऐसे शास्त्र में प्रमाण कहा गया महाभारत में। इसलिए बेटा माँ को मार डालेगा, आता ऐसे कई बार आया पहले भी, माता का हत्यारा बनेगा, बाप का हत्यारा बनेगा, तो मतलब है कि माँ बाप की इज्जत को डुबाएगा, माँ बाप की इज्जत से नहीं रहे, डुबाने वाला हो। अर्थ है अत अर्थ, इस योग में उत्पन्न बालक की माता मर जाती है, वो मारेगा नहीं, वो योगी ऐसा बनेगा अपने मां मर जाएगी। जैसे पहले आता ना गर्भ में रहते वक्त, गर्भ से निकलते हुए निकलते मां मर गई बच्चा पैदा हो गया, या बाप मर गया मर गया उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, यानी कि बच्चा ने मार डाला, ऐसा तो है नहीं, घर में रहता बच्चा थोड़ी बाप को मार सकता है, जन्मने से पहले बाप मर जाता है, करती तो किया था वो अपने कोई घटना से मर जाएगा, ग्रहयोग ऐसा उसके आने का, या भी ऐसे ग्रहयोग में माँ को मार डालेगा, तात्पर्य माँ मर जाएगी किसी न किसी निमित्त से। द्वितीय द्वादशे स्थाने यदा पापो व्यवस्थित हो तदा मातुर्भयं विन्द्यात् चतुर्थे दशमे पितुः। दूसरे या बारहवें भाव में पाप ग्रह व्यवस्थित हो तो तदा मातु भयं विन्द्यात्, वह माता को भय कष्ट प्रदायक हो जाएगा, और यदि चौथे और दशम भाव में पाप ग्रह हो तो उस जाति के पिता को कष्ट देने वाला हो जाएगा। चौथे और दशम भाव में पाप ग्रह हो तो पिता के लिए वह कष्टकर होता है। लग्न से दूसरे और बारहवें स्थान में हो तो पाप ग्रह हो तो बातक के लिए कष्टकारक है, चौथे और दशम भाव में हो तो जाकर के हो दूसरे बारहवें मां के लिए, चौथा दसवां पिता के लिए। पाप मध्यगते लग्ने
चंद्रेवा पाप संयुते सौम्ये निदर्गे पापे मात्रिया सप्तवासरे। पाप ग्रहों के मध्य में लग्न हो अर्थात इधर दूसरे उधर बारहवें भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, बीच में लग्न है, एक नंबर, दो और बारह में पाप ग्रह है और बीच में एक में लग्न है केवल, और उस लग्न में भी चंद्रे व पाप संयुक्त है। अच्छा पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा हो, पाप ग्रह के योग में बीच में लग्न और खाली हुआ कुछ भी ना हो, अथवा दो पाप ग्रह इधर उधर है और बीच में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे योग हो तो शुभ ग्रह पाप ग्रह से युक्त हो तो सौम्य और भी पाप संयुते, पाप ग्रह से युक्त शुभ ग्रह भी हो तो सौम्य निधन गे पापे, शुभ ग्रह पाप ग्रह से युक्त हो तथा अष्टम भाव में भी पाप ग्रह हो तो, पाप ग्रहों के मध्य में लग्न हो पहला योग, दूसरा पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा हो दूसरा योग, और शुभ ग्रह पाप ग्रहों से युक्त हो, और अंत में कह दिया अष्टम भाव निधन मने अष्टम भाव में पाप ग्रह युक्त हो तो, चार योग बता दिया। पाप मध्य गते लग्न में एक चंद्रेवा पाप संयुक्त चंद्रेवा, दूसरा पाप मध्य गते चंद्रेवा, तीसरा है पाप संयुक्ते सौम्य, चौथा है निधन गे पापे, ऐसे चार प्रकार के ग्रह योगों में मात्रिया सप्तवासर है, उस जाति की माता सात दिनों में मर जाती है, बच्चे का जन्म के अनंतर सात दिन के अंदर मां चली जाएगी, ये स्थिति होता है। चतुर्थे हन्यते माता दशमे च तथा पिता सप्तमे भवने क्रूरास तस्य भार्या न जीवती। जिसके जन्म लग्न में से चौथे भाव में चतुर्थे जन्म लग्न से चौथे भाव में पाप ग्रह हो तो क्या होगा, हन्यते माता उसके माता की वह हनन हो जाएगा, और दशमे च तथा पिता दशम भाव में हो तो पाप ग्रह तो पिता की ही वह हानि होगी, और सप्तमे भवने क्रूरा सातवें भाव में ये पाप ग्रह हो तो भार्या न जीवती उसकी पत्नी ही नहीं रह जाती है, न जीवती तीनों से जुड़ेगा, चतुर्थे माता अन्यते दशमी तथा पिता अन्यते जोड़ दो या तो दोनों जगह, सप्तमें भवने क्रूराश्चित भार्या तसे भार्या न जीवती, ऐसा हो जाए। शन्यंगार्ग मध्यस्थ सूर्य कुर्यात् पितुर्वधम मध्ये वा रजनीनाथो मातुर्मरणमादिशे। शन्यंगार्ग मध्यस्थ शनि और अंगारक मने मंगल, इन दोनों के बीच में सूर्य बैठा हुआ है, एक भाव में शनि है और आगे तीसरे भाव में कौन बैठा है, मंगल बैठा है, और बीच के भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या होगा, पितुर्वधम। और यदि शनि और मंगल के मध्य में सूर्य नहीं है किंतु चंद्रमा है तो क्या होगा, तब तो माता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। शनि और मंगल के बीच में सूर्य हो पिता का मृत्यु शीघ्र होगा, और शनि और मंगल के बीच में चंद्रमा हो तो माता की मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। चंद्रादष्टम गे पापे चंद्रे पाप समन्वित पापैर बलिष्ठ संदृष्ट सद्यो भवति मात्रिहा। चंद्रमा से आठवें भाव में यदि पाप ग्रह हो और चंद्रमा स्वयं भी पाप ग्रहों से युक्त हो, चंद्रे च पाप समन्वित पापैर बलिष्ठ संदृष्ट, अथवा चंद्रमा भले पाप ग्रह से युक्त नहीं है किंतु बलवान पाप ग्रहों से सम्यक प्रकार से दृष्ट है, वो उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, अन्य पाप ग्रहों से चंद्रमा दृष्ट हो तो भी इन तीनों प्रकार के योग में, इन तीनों प्रकार के चंद्र का योग में माता की शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। सद्यो भवति मातृहा, शीघ्र ही जो है माता की मृत्यु हो जाएगी।
चंद्रमा से अष्टम भाव में लो या पापग्रह हो, अथवा चंद्रमा पापग्रह से युक्त है, अथवा चंद्रमा पापग्रहों से दृष्ट है। इन तीनों ही अवस्थाओं में शीघ्र उसके माता की मृत्यु हो जाएगी। लग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने शनिश्चर राहुश्च सहज स्थाने माता तस्यन जीवती। लग्न के स्थान में बृहस्पति बैठे हुआ है, धन स्थान में धन भाव में द्वितीय भाव में शनि महाराज हैं, और इधर सहज मने तीसरे भाव में राहु विराजमान हैं। ऐसे ग्रह योग हो तो उस व्यक्ति की माता तस्य माता न जीवती, जीवित नहीं रहती, अर्थात शीघ्र ही वह मर जाती है। सिंहे भौमस्तुले सौरी कन्यायां वासितो भवेत् मिथुने च यदा राहुर् जननी तस्य नश्यति। सिंह राशि में सिंहे भौम तुले सौरी, सिंह राशि में मंगलो और तुला में शनि हो, अथवा कन्या में शुक्र, कन्यायां वा सितो मने शुक्रो भवेत् शुक्रो तो, तथा मिथुने च यदा राहु तृतीय भाव में मिथुन भाव में जो है कौन बैठा है, राहु विराजमान है मिथुन राशि में, तो वह जातक की माता शीघ्र ही मर जाएगी। सिंह राशि में मंगल है, तुला राशि में शनि है, अथवा कन्या में शुक्र हो तथा मिथुन में राहु विराजमान हो। पहले दो अलग योग है, बाकी दो अलग दो योग है। यहां पर सिंह में मंगल, तुला में शनि, एक योग हो गया, अथवा वह है ना, अथवा कन्या में शुक्र और मिथुन में राहु, ये दोनों योगों में ग्रह योग में वह उसकी जो जन्म व्यक्ति जो है उसकी मां जो है अति शीघ्र ही चली जाएगी। चंद्र पाप ग्रही रुक्तस चंद्रो वा पाप मध्य गहा चंद्रा सप्तम पापस तदा मातृवधो भवे। चंद्र पाप ग्रही युक्ता, चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो, अथवा चंद्रो वा पाप मध्य गहा, अथवा चंद्रमा पाप ग्रहों का मध्य में स्थित हो, तथा चंद्रा सप्तम पाप, चंद्रमा से सातवें घर में सातवें भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह विराजमान हो तो वह भी मातृवधो भवेत, उससे भी माता की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। एकादशे यदा क्रूरा पंचमे शुक्र शीत गु प्रथम कन्यका जाता माता तस्यास्तु कष्टगा। ग्यारहवें भाव में क्रूर ग्रह और पंचम भाव में शुक्र शीत गु शुक्र और चंद्रमा विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा है और ग्यारहवें भाव में क्रूर ग्रह उनको देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पहले उसमें क्या होगा, कन्या का जन्म होगा तथा माता को भी अपार कष्ट देने वाला होगा। प्रथम कन्या का अजाता, ये उसके पहले सबसे पहले उसके कन्या ही पैदा होगी, और साथ साथ कह दिया तस्यास्तु माता कष्टगाह, उसकी माता भी अपार कष्ट को पाने वाली होगी। धने राहुर बुध शुक्र सौरी सूर्यो यदा ग्रहा तदा मातुर्भवे मृत्युर मृतोयम परिजायते। धन भाव में राहु बुध शुक्र शनि और सूर्य ये सभी एक साथ पड़े हों तो पांच ग्रह का योग है, राहु बुध शुक्र शनि और सूर्य, तब तदा मातुर्भवेत मृत्यु हो, तब तो माता की मृत्यु होगी ही, तथा मृत बालक ही पैदा होता है। मृत्यु अयम परिजायते, बच्चा जब पैदा हुआ खुद भी मरेगा और माँ भी साथ में चली जाएगी, दोनों खत्म।
घर में रहते रहते ही उसके कर्म ऐसे रहते हैं कि जन्म ले चले तो खुद भी जाएगा और माँ भी चली जाएगी, दोनों जाएंगे, ऐसा खतरनाक योग है ये। गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, उस बालक के जन्म से जन्म के साथ साथ माता भी मर जाती है। नीच स्थान गते चंद्रे तिष्ठे द्वै भार्गवात्मजः पापासक्त महाक्रोधी माता तस्य न जीवती। अपनी नीच राशि माने वृश्चिक में चंद्रमा हो तो नीच स्थान गते चंद्रे तिष्ठे द्वै भार्गवात्मजः, और वहीं पर वृश्चिक में ही शुक्र भी विराजमान, भार्गव का आत्मज जो है कौन, शुक्र ग्रह भी विराजमान है, तो वह जातक पाप कर्म इसमें आसक्त होता है। पाप आसक्तो, और कैसे होता है जातक, महाक्रोधी, महान क्रोधी हो जाएगा, साथ साथ जो है उसकी माता तस्य माता न जीवती, शीघ्र ही वो मर जाती है। द्वादशे रूप भावे च यदा पाप ग्रहो भवेत तदा मातुर भयम विंद्यात चतुर्थे दशमे पितुः। द्वादशे रूप भावे च, बारहवें भाव और छठा भाव में यदा पाप ग्रहो भवेत, पाप ग्रह विराजमाने, तदा मातुर भयम विंद्यात, वह माता को अनेक प्रकार कष्ट प्रदायक हो जाएगा, और इसके विपरीत चौथे और दशम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो, चौथे और दशम भाव ग्रह हो, तो पिता को वह बाण भय मान कष्ट और मृत्यु आदि को प्रदान करने वाला हो जाएगा।